नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी रिजर्व पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान BTER जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या जिसे हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बोलते हैं, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। और 3 साल के इन एग्जाम्स में जो पास होते हैं उन्हें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट देती है। रिसेंटली BTER ने अपने जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव किया था। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। 2019-20 में ये आ रहा है, 2016 में भी एक बार आया था। उस टाइम भी काफी काफी पुराने पापियों के पाप धुल गए थे, तो ये भी एक सुनहरा मौका है कि आप अपने पाप धो सकते हैं जो इतने सालों से बैक अगर चल रही है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। क्या आपको क्राइटेरिया रखना है, कैसे आपको टारगेट करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कितने क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स का टारगेट लेके आपको चलना है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज इस वीडियो में जो हमें बात करनी है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चाहे डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे बीटेक लेवल का हो, रेलवे हो, SSC, UPSC, NTPC, DRDO, कोई सा भी एग्जाम हो, आज की तारीख में सब ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव आना एक तरीके से जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है ढंग से उनको भी ये लगता है कि यार ठीक है चलो सब्जेक्टिव में तो लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में तुक्के लगा देंगे। और जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है उनके लिए ऑब्जेक्टिव करना बहुत आसान है, पर मेनली हम कौन हैं, बीच वाले हैं हम। हमें ना बुरा पढ़ा हुआ है ना बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बहुत खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हजार होते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं। ऐसे कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। मैं आपको कुछ बताता हूँ, जो मैसेजेस जो कमेंट्स मुझे मिले हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर, सुनिए। सर 1,500 क्वेश्चंस कर चुका हूं फिर भी गलतियां होती है, क्या किया जाए, ऑब्जेक्टिव के बारे में ये कह रहा है बच्चा। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा था, सर इस सब्जेक्ट की तो मैं 3 बुक्स लगा चुका हूं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एग्जाम में हो पाएगा, क्या करूं। कोई एक सब्जेक्ट का मैटर, कोई एक सब्जेक्ट का डिस्कशन था जिस सब्जेक्ट के बारे में वो स्टूडेंट कह रहा है कि उसके 3 बुक्स वो कर चुका है ऑब्जेक्टिव की। अब आप देखिए 3 बुक्स कर चुका है किसी एक सब्जेक्ट की, किसी भी बुक को पकड़ लिए 200-300 क्वेश्चन होते हैं, यानी वो भी 1,000-1,500 क्वेश्चन कर चुका है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या कारण है, वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा देखिएगा। एक और कमेंट है, एक मैसेज आया था, आप सुनिए। इतना रिवीजन किया सर फिर भी एग्जाम में याद नहीं आता, बताओ। प्रैक्टिस में तो 3-3 घंटे कर लेता हूं, बैठ जाता हूं, पर एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती है। दिन के 3 घंटे जो आदमी प्रैक्टिस कर रहा है उससे सिली मिस्टेक्स हो रही है, इसका मतलब पेपर ज्यादा टफ नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मेहनत कम करें, इसका मतलब ये है कि आपके मेहनत का, आपके प्रैक्टिस के तरीके में थोड़ी सी कमी है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और मैसेज आया था, सर हर बार 2-3 नंबर से रह जाता हूं एग्जाम में, क्या करूं। और इसी तरह के काफी सारे मैसेजेस, काफी सारे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को डाउट रहते हैं, जो क्या करें, जिनको सॉल्यूशन पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो एक जो सेट पैटर्न है जो कोचिंगों में बताया जाता है, जो सभी कहते हैं कि भाई पढ़ो मेहनत करो, पर कैसे करो क्या करो वो पता नहीं चलता। तो वही बात डिस्कस करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में हूं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या किया जाए, इन इन परेशानियों का हल कैसे निकाला जाए। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनमें 4 ऑप्शन आते हैं। अगर मान लो पेपर अच्छा है तो 4 में से हर ऑप्शन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता होगा अपनी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 4 ऑप्शन में से देखते ही एक ऑप्शन पता चल जाएगा कि यही आंसर होगा। क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है कि आप सोचें विचारें, थोड़ा सा वो क्वेश्चन आपके दिमाग में उथल पुथल करे, आपको कंफ्यूज करे। अगर इतना इजी क्वेश्चन होता तो वो एग्जाम में नहीं आता, और अगर एग्जाम में आ रहा है तो यानी वो क्वेश्चन कुछ दम रखता है। ऐसे ही क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अब
आप 1,000 क्वेश्चन लगा लें, चाहे 1,500 लगा लें, चाहे 3 बुक सोल्व कर लें, चाहे आप कितना ही रिविजन कर लें, पर अगर आपका तरीका गलत है, आपका प्रैक्टिस का तरीका गलत है, रिविजन का तरीका गलत है, तो कभी भी आपका दिमाग नहीं चलेगा, वो उथल पुथल नहीं मचेगी दिमाग में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 सही है, तो बाकी 3 गलत क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। और ये तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही करेंगे, क्वेश्चंस को सहेज के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। मैं बताता हूं कैसे। ये कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम प्रैक्टिस करते टाइम करते हैं, क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ वाली जो गलतियां हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हम करते हैं क्या कि सही ऑप्शन पर हमने टिक लगा दिया, हम जितने जितने क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं उन पे सब पे सही पे टिक लगाते जा रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि यार सही पे टिक लगा लेते हैं, पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा, फटाफट याद होएंगे। याद नहीं करने हैं, रटने नहीं है हमें क्वेश्चन, हमें जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो वो हमें नया लगना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग चले, ताकि हम उन ऑप्शंस के बारे में सोचें, ताकि हम ये देखें कि यार ये 1 ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है, तो ये क्यों गलत है, ये दिमाग घूमना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन क्यों गलत है, तो आप इन 3 ऑप्शंस के लिए कोई और क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो 3 ऑप्शन गलत हैं, वो 3 ऑप्शन किसी और 3 क्वेश्चन के लिए सही भी तो होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक क्वेश्चन को बचा के रखा, सहेज के रखा, उसको काटा पीटी नहीं करी, तो आप उस क्वेश्चन की मदद से 3 और क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। तो ऑप्शन पे कभी टिक नहीं लगाना है। दूसरा हम क्या करते हैं, कई बच्चे प्रैक्टिस करते टाइम, ये देखिए आप प्रैक्टिस करते टाइम क्या करते हैं, टिक लगा लिया, फिर पीछे चेक किया आंसर से गलत निकला, इसको काटा, दूसरे पे टिक लगा दिया जो सही था, सारा सत्यानाश हो गया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, दोबारा इसको देखोगे तो इसको पढ़ने की भी इच्छा नहीं होगी। आप ये खुद एनालाइज कर सकते हैं, अपने किताब उठा के देखिए, अगर आपने ऐसा काम किया है तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे ही नहीं जिसमें आपने टिक लगा रखा है, और पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, आलस आएंगे, मोटिवेशन नहीं आएगा, रुचि नहीं बनेगी। ये सारे कारण हैं किस चीज के, दिमाग ना लगने के, कंसंट्रेशन ना बनने के, इंटरेस्ट ना बनने के, मोटिवेशन ना आने के। ऐसा ही एक और काम आप क्या करते हैं, रंग बिरंगे अपन रंग देंगे, कभी क्वेश्चन पे मार्कर चला दिया, कभी क्वेश्चन के साइड में अपन ने कुछ कलर से लिख दिया, या ऑप्शन के साइड में अपन ने अल्फाबेट्स में ऑप्शन लिख दिए, टिक नहीं लगाया, ABCD लिख दिए, या फिर क्वेश्चन के आसपास हम हिंट लिख रहे हैं, हिंट्स कि हमें याद आ जाएगा इससे। अरे अगर आपने हिंट लिख दिया तो आपका दिमाग तो चला ही नहीं, मकसद हमारा ये था। प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस ये है कि जितनी बार हम क्वेश्चन को करने के लिए बैठे, उस क्वेश्चन के लिए दिमाग चले, हमें सोचें, हम सोचें, हम सोचने के लिए मजबूर हो जाए, वो प्रैक्टिस है, वो करते ही नहीं हम। और फिर हम कहते हैं कि सर मैंने 3,000 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 3 किताबें कर ली, मैं खूब प्रैक्टिस करता हूँ। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस करने की एक्टिंग कर रहे हैं, और प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के क्वेश्चन करता जाऊँ, बस ऑप्शन देखता जाऊँ और क्वेश्चन रटता जाऊँ। प्रैक्टिस का मतलब है कि जो एग्जाम में हमें करना है वैसा ही हमें रोज करना है। आप कोई भी बड़े से बड़ा आदमी ले लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जिस भी फील्ड का वो आदमी हो, अगर उस फील्ड में उसको सक्सेस पानी है, तो वो जो काम फील्ड में उतर के करना चाहता है, उसको कोई ना कोई प्रैक्टिस एरिया उसका होता है, वहां पर वो उसको दोहराता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, उसी काम को रोज करता है। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे जीवन में मैदान में, चाहे वनडे मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, अगर कुल मिला के मैं मान लेता हूँ 1 लाख बोले अगर खेली होगी, 1 लाख बोले भी अगर खेली होंगी, तो उसने प्रैक्टिस में इसकी 50 गुना ज्यादा बोले खेली होगी, 50 लाख बोले खेली होगी उस बंदे ने। उसको एक एक बोल कहाँ पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, किधर घूमेगी, सब का अंदाजा होगा। और ऐसा ही हर किसी के साथ है। तो वो काम जो हम फेस करके कुछ पाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए SSC JEE का एग्जाम देकर जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं CPWD में, तो उस एग्जाम को आपको रोज देना पड़ेगा, रोज उस एग्जाम को आपको जीना पड़ेगा, वही वातावरण बना के, वही माहौल बना के, टेबल कुर्सी पर बैठ के, अलार्म लगा के, 30 क्वेश्चन का पेपर रात में सेट करिए, सुबह करिए, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों, पर ऐसा करना पड़ेगा आपको, तभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी, यही ऑब्जेक्टिव की तैयारी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, दिल्ली बहुत दूर है।
और ये माने या ना माने, जो भी आदमी किसी ना किसी रूप में ऑब्जेक्टिव पेपर के माध्यम से सिलेक्ट हो रहा है, वो जाने अनजाने में ये काम कर रहा है। कुछ लोग अपने आप करते हैं, कुछ लोग किसी की सुन के करते हैं, कुछ लोग सुनने के बाद भी नहीं करते हैं। पर अगर बैक क्लियर करनी है, या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिलेक्ट होके कुछ पाना है, या सरकारी नौकरी चाहिए, कुल मिला के बात ये है, तो ये काम करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। अब ये कुछ और एक उदाहरण आपको बताता हूं मैं, कि हम प्रैक्टिस करते टाइम किस किस तरीके से बैठते हैं। ये देखिए, एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी पर टांग रख के पढ़ना, रैप पढ़ रहा है कि सो रहा पढ़ते पढ़ते बीच में मैसेज आ गया, मोबाइल चेक करना, लेटे लेटे पढ़ना, यार गला सूख रहा है यार। इस बार ढंग का ब्रेक बनता है एक। यार मजा नहीं आ रहा, गाना चलाता हूँ यार। एग्जाम में मोबाइल चला पाओगे क्या? एग्जाम में लेट पाओगे क्या? ईयरफोन लगा के गाने सुनते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर कंसंट्रेशन बनता है म्यूजिक से? गलतफहमी है ये, एग्जाम में म्यूजिक नहीं मिलेगा सुनने के लिए। हमें प्रैक्टिस इस प्रकार करनी है कि जो एग्जाम में हमें करना है वही हमें रोज घर पे करना है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में तो पेपर प्रिंटेड होके आता है, वैसा माहौल रहता है, हम कैसे बनाए? तो आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल कुर्सी पर बैठिए, अगर आपके घर में लोग ज्यादा हैं, शोर ज्यादा है, तो ऐसा समय चुनिए जब लोग कम होते हों, थोड़ी शांति होती हो, और नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है आपका जो एग्जाम सेंटर आया है या आप जहां भी एग्जाम देने जाएं वो बहुत ही शांत इलाका हो सकता है आसपास से गाड़ियां गुजर रही हो, हाईवे पे हो, स्कूल कॉलेज किसी ऐसी लोकेशन पे हो, किसी ऐसी लोकेलिटी में हो जाए जहाँ इतना शोर हो रहा हो कि आपको एग्जाम में कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो जाए, तो उसकी भी हैबिट बनानी पड़ेगी। मेन बात यह है कि रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज एक 50 क्वेश्चन का सेट चाहिए और उसको 50 मिनट में ही करना है एग्जाम की तरह। ठीक जैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर करते हैं और एक अलग OMR में अपने आंसर लिखते हैं और रफ वर्क भी अलग से करते हैं, ठीक वैसे ही आपको प्रैक्टिस के टाइम करना पड़ेगा। टेबल कुर्सी लगा के बैठिए, 50 क्वेश्चन का एक सेट रात में ही, पिछली रात को ही डिसाइड करके सोइए, ताकि सुबह उठ के या अगले दिन जब भी आपको टाइम आपने डिसाइड किया है उस टाइम पर आप उन 50 क्वेश्चन को एज एन एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करें। जाहिर सी बात है कि आप वो 50 क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट करेंगे किसी ना किसी किताब में से ही करेंगे या ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मोबाइल की स्क्रीन पर तो रफ वर्क कर नहीं सकते, पर अगर आप किताब से कर रहे हैं तो भी आपको किताब को खराब नहीं करना है। यही मैंने अभी बताया है आपको। पहले क्वेश्चंस को संभाल के रखिए, 3,000 अलग अलग क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा, 1,000 क्वेश्चन को ही 3 बार करिए, आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। आप किसी भी एक पुराना क्वेश्चन को जो आपने किया हो और जो आपसे सही हो गया हो, आज की तारीख में मैं चैलेंज कर रहा हूं, उठा के देखिए, आपको फिर सोचना पड़ेगा उसके बारे में। और यह सोचना, ये मंथन करना, ये विचार करना, सभी ऑप्शंस को एनालाइज करना, यही प्रैक्टिस है, इसे प्रैक्टिस कहते हैं।
3000 क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन से मिला के और उनके टिक मार्क करके या उनके ऑप्शन रट लेना प्रैक्टिस नहीं है, वो रटना है। वो अपने भेजे को जाम करना है, भेजा जाम हो जाएगा। आपको भेजे को, आपके दिमाग को जाम नहीं करना है, आपको चलाना है उसे। तो एक रात पहले 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके, इकट्ठा करके सोइए कि भाई इस पेज नंबर के इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक मैं अगले दिन सुबह उठ के एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करूंगा। अगले दिन उठिए, जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है उस पर उन 50 क्वेश्चन को लेकर 50 मिनट का टाइम लेकर एग्जाम में बैठिए। एग्जाम के रूप में बैठिए, टेबल चेयर पे अलार्म लगा के कि 50 मिनट का अलार्म है, 50 क्वेश्चन करने हैं। एक अलग से रफ वर्क करने के लिए रफ शीट रखिए, और चाहे तो उसी पेज में साइड में OMR बना लीजिए, सिंपल सी, पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ऐसे 1 2 3 लिख लीजिए, ताकि आप उसके बगल में अपने ऑप्शंस लिख पाए। जब आप एक बार 50 मिनट तक एग्जाम दे लेंगे तो 5 मिनट लगेंगे आपको जो आपने किया उसको चेक करने में। आप उसे चेक करिए, क्योंकि हमें एग्जाम की तरह ही इस प्रैक्टिस को करना है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़िए, हर क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें नेगेटिव नहीं करने की भी प्रैक्टिस यही करनी है, नहीं तो क्या होगा, आप सारे कर देंगे तो नेगेटिव इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें छोड़िए। तो जो क्वेश्चन आपने, जब आपने चेक किया कुछ क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए, ये आपके वापस से एग्जाम में काम आ सकते हैं, या आप इन्हें नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन में भी ले सकते हैं, या इसी सेट को आप 5 6 दिन बाद दोबारा एग्जाम के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फायदा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि सर उसी उसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो क्या फायदा, पर मैं कह रहा हूँ फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। अगर एक सही है 3 गलत है, तो उन 3 के बारे में सोचने के लिए, उन्हें गलत साबित करने के लिए जो आप दिमाग चलाएंगे वो प्रैक्टिस है, उससे 3 क्वेश्चन दूसरे तैयार कर रहे हो आप, तो घबराने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं 50 क्वेश्चन को एक हफ्ते बाद वापस एग्जाम के रूप में आप दे सकते हैं, फायदा ही होगा। ठीक है, आपने अपने जो आंसर की बनाई उसको चेक किया, जो सही हुए बधाई हो, उनकी चिंता मत करो अब, क्योंकि एग्जाम के फॉर्म में, एग्जाम के रूप में, एग्जाम का माहौल बना के आपने प्रैक्टिस करी है, तो एग्जाम में ये सही हो जाएंगे। जो गलत हुए हैं उनकी चिंता करनी है बस। कैसे? जो गलत हुए हैं उनको हमें उसी दिन उसी रात से पहले उनका कंसेप्ट क्लियर करके सोना है, चाहे हम नेट से पढ़ें, चाहे किताब से पढ़ें, चाहे किसी से पूछें। पर जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए हैं इस पूरी प्रैक्टिस के बाद, उनको हमें कंसेप्ट क्लियर करके ही सोना है, क्योंकि जब हम अगला पेपर देंगे तो हो सकता है उसी कंसेप्ट का कोई दूसरा क्वेश्चन आए, वो फिर गलत होएगा अगर हम उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। तो ये 5वां स्टेप बहुत जरूरी है। तो ये 5 स्टेप में आप ढंग से सही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस बोल सकते हैं। और अगर आपने ये 5 स्टेप रोज 6 महीने तक भी अगर करी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, आप जरूर क्लियर कर लेंगे। तो सही से प्रैक्टिस करें, और एग्जाम क्लियर करने के मोटो से, सिलेक्ट होने के मोटो से प्रैक्टिस करें, मोटिवेशन बनाए रखें। किसी को कोई डाउट हो, कोई बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, जो भी आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें से कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आए, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चरर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी आपका डाउट है वो सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट है तो मैं कंसर्न एक्सपर्ट फैकल्टी को बुला के, और कंसर्न एक्सपर्ट फैकल्टी से आपके डाउट को क्लियर करवा सकता हूँ। तो अगर कहीं सोर्स ना मिले नेट पे, बुक में, तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट करें, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करते रहिए। अगर एक दिन एग्जाम देना ही है और जीतने के लिए देना है, तो उस एग्जाम को हमें रोज देना पड़ेगा, ताकि उस दिन गलतियां ना हो मैदान में। ठीक है ना, वही बात को ध्यान में रखते हुए मोटिवेशन बनाए रखो और प्रैक्टिस करते रहो, और सही ढंग से प्रैक्टिस करो जैसा कि मैंने बताया, सफलता जरूर मिलेगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सीखते रहिए, ओनली एट वी डिजर्व।